गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। बढ़िया मैम। अतुल, आई सॉ योर कोड, इट्स गुड। बट मेरा एक क्वेश्चन था क्लास से ना बच्चे, मैंने अभी देखा बहुत ही कम, इनफैक्ट मतलब आई कुड काउंट इफ आई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओनली 12 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द कोड फॉर द लिंक्ड लिस्ट एज वेल एज ओनली 10 हैव सबमिटेड द कोड फॉर दैट टिक टैक टो गेम। सो दोज specifically for those who didn't submit the code, I have a question: is it difficult one or would you not able to do it? Other things are not clear, or something else is the reason? जिन्होंने submit नहीं किया है specifically those, जैसे कि दीक्षांत have submitted, गुरजोत ने भी किया है, अंजलि ने किया है, राहुल ने नहीं किया ना? राहुल मैम, मैंने टिक टैक टो वाला नहीं किया, लिस्ट तो कर दिया। लिस्ट कर दिया है राहुल ने? हाँ, राहुल ने लिस्ट तो कर दिया, टिक टैक टो नहीं किया। अभी तक क्यों नहीं किया? नहीं बना? नहीं मैम, ट्राई किया था मैम, लिंक लिस्ट वाला किया था, वो नहीं किया। नहीं, ट्राई नहीं किया बेटा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रीजन ना, अगर प्रॉब्लम है तो हमें वो सॉर्ट आउट करनी है। आकर्षित, आकर्षित बताओ, आई जस्ट वॉन्ट द जनरलाइज आंसर, व्हाट डू यू वॉन्ट? हेलो हेलो, हेलो आर्यन, हेलो। यस मैम। बेटा क्यों नहीं किया? मैम नहीं बना, नहीं बना। लिंक लिस्ट वाला पहले हम बात करते हैं, लिंक लिस्ट वाले की। जिन जिन वो कर दिया, जिस जिसने लिंक लिस्ट का नहीं किया है उन वो प्लीज आंसर करें कि क्यों नहीं हुआ, वेदर यू वांट द कोड टू बी शोर इन द क्लास एंड वांट टू अंडरस्टैंड दैट, और समथिंग एल्स वाज देयर कि ट्राई नहीं किया, टाइम नहीं था, ये सब रीजंस हैं, या फिर आई वांट द क्लियर आंसर कि द लिंक लिस्ट प्रोग्राम विच यू हैव गिवन इज नॉट क्लियर टू अस, वी कांट एबल टू डू दैट, दैट इज द आंसर फॉर दोज हु डिडंट डू दैट। प्लीज मैं फिर नाम लूँ वहाँ से जिन जिनका नहीं, जिन्होंने नहीं किया है। अभिनव, कुणाल, गुलाम, कृतिका, आकांश, गगनदीप डोगरा, कार्तिक, अक्षित, किंचुक ने किया है, तेजस तो नहीं, अक्षय, हर्ष, आकर्षित, सौरभ शर्मा, अभिनय, हिमांशु सिंह, गगनदीप राणा, गौतम। हाँ जी बताओ बच्चे, नहीं बताओगे तो देन आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल टेक इट लाइक दिस कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू लर्न, यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस, यू दैट्स व्हाई यू डिडंट डू दैट। बताओ आकर्षित, आकर्षित नहीं किया आपने बेटा? अभिनव, आकांश, कार्तिक नहीं? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, और टिक टैक टो गेम में किसको इसका इशू है? टिक टैक टो गेम जिस जिसने नहीं किया, मैंने कुछ दो तीन स्टूडेंट्स के ही कोड देखे हैं, जैसे मैंने
दीक्षांत का कोड देखा था और दीक्षांत का देखा था मैंने कोड, अतुल का देखा था, गुरजोत का भी देखा था, अंजलि का देखा था। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हू डिडंट सबमिट इट, एनी इशू? टेल नाउ व्हाट वी हैव डन इन लिंक लिस्ट इज क्लियर टू ऑल और नॉट? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स इन द प्रीवियस क्लास? नो? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड वी स्टार्ट। आई एम आस्किंग अगेन कार्तिक, हर्ष, सौरव, एनी डाउट्स? चलो, जिन्होंने जिनका हो गया है बेटा, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? कोड इज क्लियर टू ऑल? बन गया था कोड? यस मैम। टिल नाउ इट इज क्लियर? इंसर्शन इन द फ्रंट पोजीशन एंड इंसर्शन एट द लास्ट पोजीशन। अगर आप लोगों ने ये दो कोड कर लिए ना बच्चे, तो आई मस्ट से दैट कि इंसर्शन क्या लिंक लिस्ट में सारे कोड्स फिर आप कर लोगे, बिकॉज इट इज ओनली द लॉजिक विच यू मस्ट हैव क्लियर इन योर माइंड। अगर आपने डायग्राम से उसको कंसेप्ट को समझ लिया है और वंस यू हैव कोड द इंसर्शन इन द बिगनिंग एंड इंसर्शन एट द एंड, देन यू विल कोड ऑल द लिंक लिस्ट प्रोग्राम्स। दिस इज क्लियर? इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें। यहाँ तो पॉइंटर्स भी नहीं है हमारे पास जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आए, सिंपल हम फंक्शंस के थ्रू ही कर रहे हैं। चलो, आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, हम आगे मूव करते हैं। ये स्लाइड सारी मैंने अपलोड की हुई है। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? माय स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, टेल द previous slide what we have done, insertion at the beginning, insertion at the end. Now the next is insertion at in a sorted list. We have a sorted array, we have given a specific element and we have to insert it in the linked list. So definitely the element which we have to insert at a specific location in a linked list, we have to firstly search the correct position for the same. So this is the program we are saying, this is the particular function we have created. This is not only the single function, we have called it have insert first two. What we have done here, insert sorted, this is the function in which we have created a position here. हमने क्या किया है, नया नोड बनाया है। नए नोड के लिए हमने अगेन ओ इज द वैल्यू ऑफ द नोड एंड नल इज द नेक्स्ट पॉइंटर। हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर दिया जिसमें ओ वैल्यू डाल दी है, जिसका एलिमेंट जो है वो ओ है और जिसके पॉइंटर में हमने नल डाल दिया, एड्रेस में हमने फिलहाल नल डाल दिया। हमने कहा, लिस्ट को चेक किया, इफ इज एम्प्टी, अगर लिस्ट हमारी ऑलरेडी एम्प्टी है, इफ इट रिटर्न्स अ ट्रू वैल्यू, देन हमने इंसर्ट फर्स्ट ओ को कॉल करना है। ठीक है, एम आई राइट? यानी कि हमारी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो उसमें सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो हमारा इससे कोई मतलब नहीं। हमने क्या किया, इंसर्ट फर्स्ट ओ को कॉल किया। इंसर्ट फर्स्ट ओ क्या था, जो आपने अभी प्रोग्राम बनाया है कल, दिस इज द इंसर्ट फर्स्ट ओ, इंसर्शन एट द बिगनिंग इफ लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब हमने क्या करना है, देन वी हैव टू सर्च द पोजिशन। दिस इज द एल्स केस, सी दिस इज द एल्स केस। एल्स केस में हमने क्या किया है, याद करो, हमने करंट और प्रीवियस नाम के दो वेरिएबल्स लिए थे जिनका डेटा टाइप नोड था। सो करंट और प्रीवियस दो नोड्स हमने लिए थे, दो नोड्स डेटा टाइप्स लिए थे, अब वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सी
फिर से एक बार बोल रही हूँ, सॉर्टेड एरे में इंसर्शन करना है। सॉर्टेड एरे में इंसर्शन करने के लिए मैंने सबसे पहले एक ब्लैंक नोड बनाया, उस ब्लैंक नोड में जो वैल्यू इंसर्ट करनी थी ओ वो इसके एलिमेंट पोजीशन पर इंसर्ट कर दी, उसके एड्रेस को नल कर दिया। देन आई हैव चेक्ड क्या वो लिंक लिस्ट जिसमें हमें इंसर्शन करना है वो एम्प्टी है। दिस इज द बुलियन, दिस फंक्शन रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, इफ इट रिटर्न्स अ ट्रू तो हमने क्या किया, फर्स्ट पोजिशन पर इंसर्शन करने वाला फंक्शन कॉल कर लिया। एल्स अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है, इफ़ इस एम्प्टी फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है, देन वी गो टू द एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट पर आ जाओ। एल्स पार्ट में क्या कर रहे हैं, करंट जो हमारा नोड डेटा टाइप का था उसमें हम हेड डालते हैं, ठीक है। अब हमने ट्रैवर्स करनी है एक तरह से लिस्ट, और लिस्ट में ट्रैवर्स कर हमने एक पर्टिकुलर पोजिशन फाइंड आउट करनी है अपनी एलिमेंट के लिए। उसको ट्रैवर्स करने के लिए हमने क्या किया, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट का डेटा टाइप क्या था, नोड था, नोड डेटा टाइप था करंट का। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल इट मींस कि अभी नोड्स हैं और हमें जिसे चेक करनी है। इफ ओ इज लेस देन करंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट फंक्शन क्या करता था, एलिमेंट वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, इसलिए हमने वो छोटे छोटे से फंक्शंस बनाए थे। सो ओ डॉट यानी कि करंट नोड, अभी करंट में हमने हेड डाला है, जो हेड है फर्स्ट नोड जो है, अगर ओ की वैल्यू उससे स्मॉलर है तो इसका मतलब वही एक पोजीशन है जहां पर हमें इंसर्ट करना है। एम आई राइट किंशुक, एम आई राइट? ठीक है, हमें करंट नोड जो हमने न्यू नोड जो न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है वो ओ में है, उसकी वैल्यू करंट नोड यानी करंट अभी हेड को पॉइंट कर रहा है उससे स्मॉलर है, तो इसका मतलब ओ को हमें फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, साइज को इंक्रीमेंट किया। फिर इसी इफ के अंदर हमने चेक करना है, इफ करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, अगर करंट फर्स्ट, ये तो था करंट फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है, इफ करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, हेड के इक्वल नहीं है, तब हमने क्या करना है, प्रीवियस डॉट सेट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। सेट नेक्स्ट क्या कर रहा था, नेक्स्ट की वैल्यू को सेट कर रहा था, यानी कि जो भी हम वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं उसे वो नेक्स्ट में डाल रहा है, इसके प्रीवियस डॉट के। प्रीवियस में क्या वैल्यू डाली हुई थी हमने, अभी हमने प्रीवियस में हेड ही डाला हुआ है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, करंट में करंट वैल्यू डालते हैं, प्रीवियस में उससे पहले वाली डालते हैं। जिस करंट नोड पे अभी हम हैं वो करंट होगा, और जिस नोड जो नोड उससे पहले वाला है वो प्रीवियस होगा। तो पहले वाले नोड के सेट नेक्स्ट पे, सेट नेक्स्ट पे यानी कि उसके नेक्स्ट की वैल्यू पर हमने न्यू नोड डाल देंगे, और न्यू नोड के नेक्स्ट वैल्यू पर हम करंट डाल देंगे। ये हमने क्यों किया है, सी गोज टू, आई एम गोइंग टू अ डायग्राम वेयर वी हैव दैट, रुको ये कोड ही उठाकर लेकर जाती हूँ वहां पर।
मैम आवाज नहीं आ रही है शायद। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं वो माइक था। हाँ बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, अब मान लो फॉर एग्जांपल हमें 30 इंसर्ट करना है, तो 30 इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा मान लो करंट नोड होगा, तो ये प्रीवियस नोड होगा, ये लिस्ट है आपकी। इस लिस्ट में देखो, ये फॉर एग्जांपल मेरा करंट नोड है, ये मेरा प्रीवियस होगा। करंट और प्रीवियस की पोजीशंस हमेशा ऐसे ली गई हैं, दिस इज द करंट नोड, दिस इज द प्रीवियस वन। अब इस करंट के साथ जब मैंने चेक किया कि जब ये मेरी वैल्यू स्मॉलर है, तो इट मींस 40 से स्मॉलर है। देखो मैंने स्मॉलर की कंडीशन चेक की है, सिर्फ ओ इज लेस देन, तो इससे स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों के बीच में आने के लिए मैंने क्या किया, प्रीवियस डॉट सेट नेक्स्ट, ये प्रीवियस है, इसकी नेक्स्ट की वैल्यू को न्यू नोड बना दिया। न्यू नोड जो है ये क्या डल गया, यहाँ पर, और न्यू नोड डॉट सेट नेक्स्ट, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डल गया, करंट। फिर से देखो, ये प्रीवियस है, प्रीवियस की नेक्स्ट की वैल्यू क्या बन गई, न्यू नोड, और न्यू नोड के नेक्स्ट की वैल्यू क्या बन गई, करंट। यहाँ देखो सेट नेक्स्ट और सेट नेक्स्ट क्या करता है, एड्रेस, एड्रेस स्टोर करता है, नेक्स्ट में जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो वो जाके स्टोर हो जाएगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, सेट नेक्स्ट में नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, इस फंक्शन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। सेट नेक्स्ट के फंक्शंस की डेफिनेशन याद कर लो, दिस इज द डेफिनेशन, सेट नेक्स्ट फंक्शन में नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, सेट नेक्स्ट में नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। ये चीज, एड्रेस चेंज हो गए, एड्रेस चेंज ही करना था हमने, ब्रेक करके बाहर आ गया। अब ये था जब हमारा ओ इज लेस देन, अदरवाइज हमने क्या करना है, हेड, हेड नहीं है तो इफ करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, अदरवाइज अगर करंट हेड के इक्वल है तो हमारा प्रीवियस है ही नहीं, अगर ये हेड है यानी कि फर्स्ट पोजिशन पर इंसर्ट करना है, तो न्यू नोड डॉट सेट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड और ब्रेक। सी सी दिस लॉजिक अगेन, इतना पोर्शन फिर से देखो एक बार, ये इतने पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, करंट में फिलहाल हमने हेड डाल दिया है, इससे पहले हमने प्रीवियस में हेड ही डाला है, करंट को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, प्रीवियस में करंट की वैल्यू डालते जाएंगे, करंट प्लस प्लस होता जाएगा, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट होता जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हमने ओ जो वैल्यू है हमारी न्यू नोड की, उस वैल्यू को चेक कर रहे हैं करंट के गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट मतलब करंट एलिमेंट, करंट की जो वैल्यू है, करंट मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा, इसकी वैल्यू को चेक किया 40, ओ की वैल्यू 40 से स्मॉलर है, तो मैंने क्या किया, साइज को प्लस प्लस कर दिया। अब मैंने दूसरी बार फिर से इसी इफ के अंदर, ये इफ नेस्टेड है, इस इफ के अंदर ये चेक किया, इफ करंट इज नॉट इक्वल्स टू हेड, दो कंडीशंस बन रही हैं, ओ की वैल्यू करंट एलिमेंट से स्मॉलर है, ठीक है। अब मैंने दो कंडीशंस इसके अंदर चेक की, क्या करंट मेरा हेड है या नहीं है, सो इफ करंट इज नॉट इक्वल्स टू हेड, करंट मेरा हेड नहीं है तो मैंने क्या करना है, जैसे ये इस केस है, इस केस में जब मेरा हेड के इक्वल नहीं है करंट, तो मैंने प्रीवियस प्रीवियस के एड्रेस में न्यू नोड डाल दिया और न्यू नोड के एड्रेस में करंट डाल दिया। यही पॉइंटर्स हमने यहाँ पर चेंज किए थे, पहले क्या था, प्रीवियस करंट को पॉइंट कर रहा था, अब क्या होगा, प्रीवियस न्यू नोड को पॉइंट करेगा और न्यू नोड करंट को पॉइंट करेगा। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, और अगर मेरा करंट नोड जो है वो हेड नोड है, यहाँ पर मैंने चेक किया है इफ करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, तब मैंने ये चेंजेस किए हैं, पर अगर मेरा करंट हेड नोड है तो मुझे क्या करना है, सिंपल न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट की वैल्यू डालनी है और हेड जो है वो न्यू नोड बन जाएगा। ये वाले पॉइंटर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ब्रेक करो और बाहर आ जाओ, दिस इज द कंडीशन। अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीजें हो गई, प्रीवियस में करंट और करंट में करंट डॉट गेट नेक्स्ट, जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, ये क्लियर है। और अगर करंट इज इक्वल टू नल हो जाता है, ये कंडीशन थी देखो, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, वाइल लूप पूरा यहां से यहां तक चला था, यहां से यहां तक, सॉरी, ठीक है, ये एल्स पार्ट यहां से यहां तक था, और अगर करंट नल हो जाता है, इसका मतलब हमने पूरी लिस्ट ट्रेवर्स कर ली, हमें कहीं भी ऐसी पोजिशन नहीं मिली जहां ओ की वैल्यू लेस देन हो करंट वैल्यू से, तो इसका मतलब हमारा जो नोड है वो कहां पर इंसर्ट होना है, लास्ट पोजीशन पर। सो इफ करंट इज इक्वल टू नल, इंसर्ट लास्ट ओ, लास्ट में इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट लास्ट ओ को कॉल कर लेंगे। अब फिर से एक बार सुनो, इंसर्ट
सॉर्टेड लिस्ट में करना है। सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, या तो वो फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट हो जाए, फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट तब होगा जब वो सबसे स्मॉलर होगा। सेकंड कंडीशन, हम वहाँ पर कहीं पर भी ढूंढ रहे हैं जहाँ उसकी पर्टिकुलर पोजीशन मिलेगी, हम उसे वहाँ इंसर्ट करेंगे। थर्ड केस, जब हमारे पास पूरी लिस्ट में कहीं पर भी ऐसी पोजीशन नहीं मिली जहाँ हम उस नोड को इंसर्ट करें, मीन्स वो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है, तो हम उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, लास्ट में। अब सबसे पहले जब मैंने कोड दिखाया था, हमने चेक किया था क्या हमारी करंट जो हमने न्यू नोड इंसर्ट करना है उसमें ओ में वैल्यू स्टोर है, क्या ओ की वैल्यू हेड से स्मॉलर है। अगर हेड से स्मॉलर है तो हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर लिया। उसके लिए हमने जो इंसर्ट फर्स्ट का फंक्शन बनाया था उसे कॉल किया। अदरवाइज एल्स पार्ट में आ गए, अगर हमारा हेड से स्मॉलर नहीं है तब हमने क्या किया, करंट में हेड की वैल्यू डाल दी, और जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक हमने चेक कर रहे हैं कि ओ इज लेस देन करंट गेट एलिमेंट, और साइज को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर इसके अंदर इफ करंट इज नॉट इक्वल्स टू हेड, हमने प्रीवियस और न्यू नोड के पॉइंटर्स चेंज कर दिए, प्रीवियस में न्यू नोड डाल दिया, न्यू नोड में करंट डाल दिया। अदरवाइज अगर हमारा करंट हेड के इक्वल है तो न्यू नोड को में करंट डाल देंगे, हेड में न्यू नोड डाल देंगे, ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। अब हमने एक बार के लिए चेक कर लिया, तो हमने क्या किया, प्रीवियस में करंट और करंट में करंट डॉट नेक्स्ट, ये हमें क्यों करना पड़ता है, ताकि ये वाइल लूप कंटिन्यू रहे। फिर अब इस एल्स पार्ट से जब हम बाहर आए तो हमने चेक किया, इफ भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एल्स की कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, हमारे पास पूरी हमने लिस्ट ट्रैवर्स कर ली, सो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिस एलिमेंट को हमने इंसर्ट करना है वो हमें लास्ट पोजीशन पे करना है। हमने अगेन कंडीशन चेक की, इफ करंट इज इक्वल टू नल, यानी कि हम नल पर आ गए हैं, तो अब हमने क्या किया, इंसर्ट लास्ट को कॉल किया, इंसर्ट लास्ट विद वैल्यू ओ। ओ वो एलिमेंट है जिसे हमने इंसर्ट करना है। क्या मैं क्लियर हूँ, इज दिस क्लियर टू ऑल, और शैल आई एक्सप्लेन इट अगेन? यस एनीवन? हर्ष, इज इट क्लियर? हिमांशु? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। राहुल, बच्चे क्लियर है तो बनाते क्यों नहीं हो प्रोग्राम्स तुम? हाँ, प्रोग्राम्स बनाया करो बेटा, जब तक बनाओगे नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले ना बेटा एक काम करते हैं, ये जो आज वाला कोड है, इस कोड में इंसर्शन बिगनिंग, इंसर्शन एंड आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो है ये चीज़ ऐड करनी है, ठीक है? सो इट डजंट टेक अ लॉन्ग एज मच लॉन्ग टाइम। मैं क्या करती हूँ, मैं ये डिस्प्ले कराती हूँ और साथ में इंसर्शन द बिगनिंग, इंसर्शन द एंड, इन दोनों का कोड भी डिस्प्ले कर देती हूँ, ठीक है? आई जस्ट डिस्प्ले इट। अब आप लोगों ने ये कोड बनाओ, यही क्लास में बनाओ, एंड आई वॉन्ट दोज स्पेसिफिकली जिन्होंने नहीं किया था पहले। ये एल्गोरिथम यहाँ पर डिस्प्ले है, मैं वो कोड भी डिस्प्ले कर रही हूँ। इतने आप बनाना स्टार्ट करो, एक सॉर्टेड एरे लो, उसमें बिगनिंग में, एंड में, या फिर किसी भी मिडल पोजीशन में इंसर्ट करना है, इसका कोड बनाना है। इंसर्शन इन द बिगनिंग, इंसर्शन इन द एंड, ये कोड आप लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है। यू जस्ट नीड टू डू दिस पार्ट, ये एल्स के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये पार्ट अभी करना है, बाकी तो सब आपने किया हुआ है। सो नाउ डू इट इन द क्लास राइट नाउ। मैं आप लोगों को जिन्होंने नहीं किया है, मैं कोड यहाँ पर एक और कोड डिस्प्ले कर देती हूँ जो इंसर्शन इन द बिगनिंग और इंसर्शन इन द एंड का है, ठीक है? जस्ट वेट फॉर दैट।
एक काम करो, मैं एक कोड डिस्प्ले करूंगी, इससे बेटर है कि जिन लोगों ने सबमिट करा दिया है वो लोग तो ये वाला कोड करो, और जिन्होंने नहीं किया है वो इंसर्शन इन द बिगनिंग का कोड करो। पहले मुझे हिमांशु डिस्प्ले करेगा इंसर्शन इन द बिगनिंग का कोड, और मैम मैंने कर दिया सबमिट। तुमने कर दिया था सबमिट? यस मैम। हाँ ठीक है, आर्यन ने भी कर दिया है, अनीश, राहुल, सौरभ, हिमांशु, फिर तुम वो वाला कोड करो अभी, ये सॉर्टेड वाला। हिमांशु सिंह ने नहीं किया था, गगनदीप राणा, गौतम ठाकुर, ये लोग होंगे भी नहीं, और सौरभ शर्मा है? सौरभ शर्मा नहीं है, किंचुक, किंचुक ने भी कर दिया है, हर्ष ने नहीं किया ना, हर्ष करेगा अभी। हर्ष, हर्ष इंसर्शन इन द बिगनिंग का कोड करो बेटा, और गौतम। यस मैम। गौतम, गौतम ठाकुर। यस मैम। इंसर्शन एट द एंड का कोड करो, और बाकी सब लोग वो सॉर्टेड वाला कोड करो। मैं तीनों से डिस्प्ले करवाऊंगी, आपने सिर्फ इंसर्शन एट द एंड करना है गौतम, बिगनिंग नहीं करना, सिर्फ इंसर्शन इन अ लिंक्ड लिस्ट एट द एंड। और राहुल, अभिनय है, अभिनय है ना, अभिनय बेटा, आपने सिंपल लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराना है। एक लिंक लिस्ट ले लो और उसको सिंपल डिस्प्ले कराना है, ये फंक्शन आप बनाओ, ठीक है? अभी देखो मैंने चार प्रोग्राम्स दिए हैं, अभिनय को दिया है डिस्प्ले कराना, सिंपल डिस्प्ले कराना है, स्टैटिक ले लो लिंक लिस्ट, ओके?
ओनली यू हैव टू डिस्प्ले, उसका डिस्प्ले का जो कोड है आधा तो मैंने दिखाया हुआ है आप लोगों को, अभी अभी दिखाया था करंट को, प्रीवियस प्रीवियस को, प्रीवियस को करंट बनाना है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और सिंपली डिस्प्ले प्रिंट एलएन लेना है और उसमें डिस्प्ले करानी है, एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है, सिंपल सा लॉजिक है अभिनय, ठीक है? ठीक है, मैं अभी फिर से वो कोड डिस्प्ले कर देती हूँ आप लोगों को, रुको, उसमें जो मैंने बोला था ना वो वो वाला करना है आपने, ये वाला जो लॉजिक था ना अभिनय, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट गेट नेक्स्ट, ये करते रहना है और प्रिंट प्रिंट के स्टेटमेंट लगानी है इस लूप के अंदर, और वाइल ऊपर लगा लो, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है? नोड क्रिएट करो, नोड क्रिएट करके लिंक लिस्ट में पहले स्टोर करा लो वैल्यूज, फिर उसके बाद सिंपली एक वाइल लूप लगाकर डिस्प्ले करा लो, यहाँ फॉर लूप नहीं वाइल लूप लगाओ, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, और ये स्टेटमेंट लिखकर नीचे प्रिंट की स्टेटमेंट देखो डिस्प्ले करा लो, ठीक है? जिन्होंने नहीं किया है उन सबके लिए भी आप पहले डिस्प्ले का प्रोग्राम बनाओ, सबसे पहले डिस्प्ले का बनाओ, सबसे मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगी वन बाय वन, आज जितने भी हैं यहाँ पर अटेंडेंस उन्हीं की लगेगी जो स्क्रीन शेयर करेंगे अपने, 19 स्टूडेंट्स हैं, नहीं बल्कि 18 स्टूडेंट्स हैं सर, और सबकी स्क्रीन शेयर होगी, जिसकी स्क्रीन नहीं शेयर हुई बेटा आई वोंट गिव द अटेंडेंस टुडे। आपने प्रोग्राम, मैंने तीन प्रोग्राम्स दे दिए सॉर्टेड एरे में, इंसर्शन एट द बिगनिंग, इंसर्शन एट द एंड, और फोर्थ डिस्प्ले, चारों में से कोई भी एक करके दिखा दो मुझे, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए वो बाकी तीन ऑप्शंस हैं, जो वो तीन कर चुके हैं उनके लिए से वो एरे के अंदर इंसर्शन की ऑप्शन है। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, ओके, इट्स 11:35, 45 पे मैं पूछना स्टार्ट करूंगी जिस जिसका हो जाएगा, एंड वी विल स्टार्ट डिस्प्लेइंग। Student, do you need me to share the screen or shall I stop it? Hello, Anjali? Do you want me to share the screen? Yes, ma'am. Okay. Okay, then okay. Yes, ma'am.
किसी का हुआ भाई? एनीवन हुआ? आई सजेस्ट जो कोड आप लोगों ने पहले लिखा है उसी कोड में एडिट करना स्टार्ट करो, कि अगर हमें सॉर्टेड लिस्ट में करना है, हमें इन बिगनिंग में इंसर्शन करना है, एंड में इंसर्शन करना है, एक ही जनरलाइज प्रोग्राम बन जाएगा आपका बहुत अच्छा, जिसे आप गीक्स पर अपलोड करना है एट द एंड। और अपना ये टिक टैक टोट वाला भी जिस जिसने भी बनाया है उसे भी गीक्स फॉर गीक्स पर जरूर अपलोड करना।
हेलो हेलो क्लास, हेलो अभिन। हेलो मैम हाँ बेटा, आप स्क्रीन शेयर करो अपनी। मैम हमें लैपटॉप मैम हॉस्टल में कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। इसपे मैम इसका जो माइक्रोसॉफ्ट है ना वो उसपे मैम वो पुराना वर्जन है, लेकिन वो व्हाट्सएप ऐप नहीं क्या नहीं कर पा रहा? कर पा रहा उसपे मैम। कमेंट कमेंट में चैट बॉक्स में डाल दो कोड, चैट बॉक्स में डालो कोड। व्हाट्सएप पे नहीं कनेक्ट कर पा रहा था मैं, कंप्यूटर पे है ना, मेरे फोन पे खुला हुआ है। फोन पर स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डाल दो। मैं स्क्रीन से ऊपर। हाँ, 1 मिनट हाँ मिनट ऐसे कर दो। हाँ जी, किसी का हुआ? अंजलि, अंजलि, अभिनय, अभिनय तो कर रहा है। आकांश, आकांश, अभिनय आंसर करो बच्चे। अक्षय, अक्षय डेट मतलब अक्षय की डेट मतलब दूसरी क्लास लगा रहे हो मेरी सेकंड। कितना टाइम लगाना है तुमने एक कोड को लिखने में बेटा? एक दिन में एक कोड करेंगे ना, बहुत स्लो स्पीड रहेगी हमारी। आयुषी, आयुषी, अच्छा 2 दिन बाद, आयशी हुआ बेटा? तो 2 दिन बाद तो सारे यस एग्जामिनेशन मैम, कर रही हूँ अभी। तुमने तो सबमिट करा दिया था ना पहले, अभी तुम सॉर्टेड वाला कर रहे हो है ना? यस मैम, सॉर्टेड वाले ही बोल रही हूँ। ठीक है ठीक है। सवा 3 बजे क्लास होगी उनकी। मैसेज देखा है सबका, अरुण सर ने यहाँ पास मैसेज भेजा है 11 बजे। ठीक है जी, ओके देन। हाँ ठीक है ठीक है, ओके देन, टेक केयर। गुरजोत सिंह, कर रहा हूँ ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय। दीक्षांत, दीक्षांत, यस मैम। शेयर योर स्क्रीन बेटा, दिखाओ कितना कोड किया है। मैं एक्चुअली ना एक कोड में सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ, उसके अभी हाफ हुआ है। एंड एंड इंसर्ट जहाँ है ना तुम जब मैं लास्ट कह रही, पोजीशन। अच्छा सेम कोड के अंडर कर रहे हो? यस मैम, एक ही कोड में सर तीनों चारों चीजें डाल रहा हूँ। ठीक है गौतम, गौतम, गौतम ठाकुर, एंड मैम एक चीज मैम, ये गिग्स और गिग्स पे अपना कोड कैसे अपलोड करते हैं?
गिग्स फॉर गिग्स पे कोड कैसे अपलोड करते हैं? सिंपल है बेटा, आप अपने प्रोफाइल जैसे हमने अपना वो टिक टैक टो वाला कोड बनाया उसको अपलोड कैसे करेंगे? अपना प्रोफाइल खोलो। यस मैम, वेट। यस मैम, खोल लिया। हेलो, यस मैम। दीक्षा वहां पर सर्च करोगे वो प्रोग्राम, वहां पर क्वेश्चन होगा, वो टिकटॉक टू का क्वेश्चन है वहां पे, वहां पर जाकर सबमिट करो। ऐसा हम ऑलरेडी वो क्वेश्चन है उसमें, हाँ ऑलरेडी, हाँ ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे तुम्हें। गौतम, गौतम, गौतम प्लीज रिस्पॉन्ड। हर्ष माइक नहीं वर्क कर रहा बेटा, स्क्रीन शेयर करो गौतम। तुम कौन से वाला कर रहे हो, बिगनिंग और एंड वाला? डाउन करना अच्छा, अभिनय वेबकैम से दिखा रहा है, अभिनय दिख गया, दिख गया अभिनय। मैं वो इनबॉक्स में कैसे सेंड करते पता है, चल रहा चैट में कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा बेटा? मैम वो कोड तो मैम कंप्यूटर पे है ना। अच्छा कोड तुम कंप्यूटर पे कर रहे हो, क्लास माइक फोन से लगा रहे हो? यस मैम, मैं व्हाट्सएप ऐप कनेक्ट नहीं हो। ठीक है सर, ठीक है ऐसा करना, कोड मुझे ना क्लास में अपलोड कर देना, वहीं गूगल क्लास में, तुमने किया नहीं है ना वहां पे? यस मैम, वहां अपलोड कर दो। ओके मैम। गौतम ऊपर करो बच्चे, एक मिनट ऊपर करो स्क्रीन। वॉइड नोड हेड नल टेल नल ऐड एलिमेंट नोड इज इक्वल टू नल हेड इज इक्वल टू न्यू नोड टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। अच्छा ठीक है, एल्स टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड एंड ठीक है गौतम, ठीक है बच्चे।
गौतम ने दिखा दिया, देन हर्ष किंचुक आप करो, नहीं किंचुक ने वहां कर लिया था, राहुल आप करो, राहुल अपनी स्क्रीन शेयर करो। हर्ष 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 अतुल अतुल, हाँ जी हर्ष हो गया, हर्ष हो गया, कौन सा किया तुमने? मैम बिगनिंग वाला, बिगनिंग वाला करो, शेयर करो स्क्रीन। फोन साइज बड़ा करो बच्चे थोड़ा, ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन। रीडेबल नहीं है अभी भी। Add start move move just wait display ये main class में ऊपर है। ठीक है डाउन करो, स्क्रॉल करो ऊपर, पर डिस्प्ले में हेड इज इक्वल टू नल, करंट डाटा करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है बेटा, गुड। अभी वाला हुआ है किसी का इंसर्शन एट ए पोजीशन? ये वाला क्वेश्चन ना मैं गूगल क्लासरूम में डाल रही हूँ, इंसर्शन ऑफ अ सॉर्टेड एरे इन ए पर्टिकुलर पोजीशन एंड यू ऑल हैव टू सबमिट इट। ओके, those who will submit it, then only I will give the attendance, otherwise I am noting down. Akarshit ma'am, haan ji bolo ma'am, sirf sorted wala uske sath us code ke andar ending aur beginning bhi lagani hai na? हाँ बेटा, वो तो देखो अगर आप सिर्फ sorted वाला डाल रहे हो तो उसमें beginning और end दोनों call हो रहे हैं, तो you have to, करना ही पड़ेगा ना, कॉल हो रहे हैं ना उसमें? यस मैम। हाँ इसलिए, ठीक है बच्चे। आकर्ष इज प्रेजेंट? यस मैम। अभिनव, अभिनव, अभिनय सिंह प्रेजेंट मैम।
हाँ जी आकांश अक्षय अक्षित अच्छा 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 ओहो आपके यहाँ कुछ एक्शंस भी हैं। यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अंजलि। ठीक है सही है सर। यस मैम। कितना हुआ बेटा? मैम बस हो गया थोड़ा सा बेटा। जो पेपर अंजलि सिदाना कितना हुआ तुम्हारा? मैम बस थोड़ा सा रहता है। थोड़ा सा कितना रहता है मैम? वो जो डिस्प्ले का वाले वाला पार्ट है उसमें थोड़े चेंजेस करने। ठीक है आर्यन। यस मैम। अतुल। अतुल अतुल तो था। आयुषी। यस मैम। तुम्हारा कितना हुआ बेटा? मैम कर रही हूँ अभी तो। इसमें क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं समझ में आया। आ गया पर कर रही हूँ। दीक्षांत। यस मैम। दिव्यांशु। गगनदीप डोगरा। गगनदीप सिंह राणा। गौतम। गुरजोत। गुरजोत प्रेजेंट मैम। हर्ष। यस मैम। हिमांशु शर्मा। गौतम यस तुमने तो बताया। ठीक है हिमांशु शर्मा। यस मैम। करमजोत। प्रेजेंट मैम। हिमांशु सिंह। कार्तिक। किंचुक। कितना हुआ किंचुक? मैम मैं एक्चुअली अभी ना कर रहा था। तुम कौन सा कर रहे थे? और मैम छोटे वाला। हाँ तुमने पहले वाले तो सबमिट करा दिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। कृतिका। कृतिका कुनाल। प्रेजेंट मैम। गुलाम मोहम्मद। गुलाम राहुल। राहुल बादला। यस मैम। तुम्हारा कितना हो गया? मैं वो बिगनिंग और एंड वाला तो कर लिया था। ये वाला मैम समझ आ रहा अभी। क्यों राहुल शर्मा? राहुल शर्मा। यस मैम। रजनी। सौरव। अक्षय प्रेजेंट। सौरव शर्मा। तेजस। ठीक है बेटा मैं क्लास में डाल रही हूँ। लिंक्स भी मैं पेस्ट कर रही हूँ और कल फिर मैं फिर ये प्रोग्राम्स तीनों के तीनों डिस्प्ले कराऊंगी। आप में से जो मुझे बेस्ट लगा जिसका भी आप लोग गूगल क्लासरूम में पेस्ट करो। आप में से जिसका भी मुझे बेस्ट लगा वो मैं क्लास में डिस्प्ले कराऊंगी। ओके वन आउटपुट कौन सी आ रही है बेटा? चलो देखते हैं गौतम। ओके टिल देन कौन मैं मतलब अतुल कहाँ गए थे? मैम इंटरनेट इशू चल रहा है जियो में। तुम्हारा कितना हो गया? हाँ आज कुछ इंटरनेट का इशू है आज मेरे को मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी। यस मैम मेरा तो मैम लास्ट है ना मतलब दो दिन बाद एक्सपायर हो रहा है प्लान तो उसकी वजह से ज्यादा उन्होंने परेशान कर रखा है। अभी तुम्हारा कितना हुआ?
मैम अभी वो जो इंसर्शन वाला था मैम बाकी पहले वाले तो सारे कर लिए हैं एंड अभी मैं विद इन 10 मिनट्स अभी उस पे गूगल पे अपलोड कर दूंगा इसको ठीक है सॉर्टेड इंसर्शन मैम हो चुका है बस एक बार वो सारे कॉर्नर किसी से रन कर ले तुम एक ही में सारे डाल रहे हो या डिफरेंट बना रहे हो मैम ये वाला डिफरेंट है वैसे मैं पुराने वाले को कॉपी कर लूंगा फिर उसमें डाल दूंगा ठीक है बेटा ओके थैंक यू मैम थैंक यू ऑल Oh.